हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए देखने वाले हैं 16 जून से लेकर 13 जून के बीच में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं ये रीडिंग। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम जरूर कीजिए। ओके, सो आई एम स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके लिए थर्ड वीक की एनर्जी देखा जाए जून मंथ की, सो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जून मंथ की जो स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। एंड अगर आपके लिए थर्ड वीक की जो एंडिंग की एनर्जी देखा जाए गाइस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते करना चाहते हो अपनी लाइफ में। स्पेशली आप फाइनेंशियल वाइज थोड़े से बैलेंस्ड होना चाहते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो गाइज, आपकी लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा आप प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकता है थर्ड वीक की एंडिंग में। ऑल ओवर आपकी थर्ड वीक की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर की प्लानिंग्स आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में कुछ ऐसे प्लान्स कर रहे हो गाइस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव क्रिएट होगा। ओके, सो आपके लिए जो थर्ड वीक की एनर्जी है मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एंड अगर आपके पार्टनर के लिए थर्ड वीक की एनर्जी देखा जाए गाइस, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके आसपास में। सो गाइस, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है अपने लाइफ में, इमोशनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, उनकी जॉब है अच्छी, बिजनेस है अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो गाइस, कहीं ना कहीं वो सब ऑल ओवर तो आपकी लाइफ उनके लाइफ में सब कुछ है, बट वो इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। सो उनके लाइफ में जो थर्ड वीक होने वाला है गाइज, वो अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है वो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन दिखाई दे रहे, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है उनके लाइफ में। सो थर्ड वीक की एनर्जी गाइज, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन रहेंगे, इमोशनली डल रहेंगे। ओके, एंड थर्ड वीक की जो एंडिंग की एनर्जी है गाइज, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर। सो गाइज, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करियर वाइज बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, बट वो इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आपके लिए हम फोर्थ वीक की एनर्जी देखा जाए गाइज, सो आप कहीं ना कहीं फोर्थ वीक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हो। ओके, फोर्थ वीक की स्टार्टिंग में गाइज आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आपको किसी का प्रपोजल आ सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है आपको, बट गाइज वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, एक से ज़्यादा मीन्स एक या दो मेंबर हो सकते हैं। ओके, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे इमोशनली। एंड वहीं आपके फोर्थ वीक की जो एंडिंग होने वाली है गाइज, उसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियली एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंस वाइज आप कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, जिसके लिए यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। सो गाइज, आपकी लाइफ में एक कुछ नया शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली, बट आप कन्फ्यूज रहोगे इमोशनली बहुत ज़्यादा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आप सेपरेट दिखाई दे रहे हो, आप अकेले दिखाई दे रहे हो। ओके,
एंड यहाँ पर आपके अकेले की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर यहाँ पर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की फोर्थ वीक की एनर्जी देखा जाए गाइस, सो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ वीक की जो स्टार्टिंग होने वाली है गाइस आपके पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। स्टेबल है अपनी लाइफ में, ओके, स्टेबल है, सब कुछ है उनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ पास्ट में गुजारा कुछ टाइम ऐसा है, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड फोर्थ वीक की जो स्टार्टिंग होने वाली है गाइज, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली डल दिखाई दे रहे हैं एंड पास्ट में ही रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट को बार बार बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वही एनर्जी गाइज फोर्थ वीक की एंडिंग तक जाएगी, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं वो रो भी रहे हैं। ओके, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी ये फील कभी ना कभी हो रहा होगा। बट गाइज यहाँ पर आप और आपके 15 दिनों में तो आपके पार्टनर और आप साथ में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, बट आपके पार्टनर गाइज बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में इन 15 दिनों में फाइनेंशियल वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा वो ड्रेन रहेंगे, बहुत ज़्यादा कटे कटे से रहेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे। एंड यहीं आपकी एनर्जी इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रहेगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है फाइनेंस वाइज, आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो गाइज अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है ये 15 दिन आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, बट आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए इन 15 दिनों में, आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड। सो गाइज आपके पार्टनर बिल्कुल भी किसी तरह का एक्शन लेते हुए आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे, वो आप खुद में ही बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे। ओके, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं वो आपको लेकर, बट आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट आपकी आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए वो थोड़े से कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं एंड आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा सोसाइटी का, लोगों का बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, बट आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपके लिए किसी तरह का एक्शन तो नहीं ले रहे, बट आपको याद बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। The answer you need are coming. A win-win outcome is forecast. So guys, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम शुरू है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी आप बहुत टाइम से अपने आप से पूछ रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों होता है हर बार, सो गाइज इन सब चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, इन सब चीज़ों का आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, एंड आप इस लाइफ इस टाइम पे गाइस जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको इतना क्लियर होगा कि आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आपको लाइफ में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आपकी लाइफ एक अच्छे वे में जाते हुए दिखाई दे रही है। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ, जो भी पास्ट में उथल पुथल मचा होगा आपकी लाइफ में, अब गाइस आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो गाइस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।